जनपद में तेजी से बढ़ रहे डेंगू के डंक का खतरा और भी बढ़ता जा रहा है। डेंगू ने मलेरिया, फाइलेरिया और कालाजार को पीछे छोड़ दिया है। इसका आंकड़ा दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें कि मंगलवार को जिला अस्पताल के SIC डॉक्टर राजेंद्र ठाकुर ने इमरजेंसी वार्ड में बने डेंगू वार्ड का निरीक्षण किया तथा मरीजों का हालचाल लिया, जिसके संबंध में SIC डॉक्टर राजेंद्र ठाकुर ने बताया कि डेंगू को देखते हुए जिला अस्पताल में पूरी मुस्तैदी के साथ तैयारी किया गया है। इसमें दोनों के लिए अलग वार्ड बनाया गया है। वार्ड में पहले 10 बेड थे, लेकिन अब बेडों की संख्या बढ़ा दी गई है। पर्याप्त मात्रा में दवाइयां, बेड, मच्छरदानी, स्पेशल डॉक्टर उपलब्ध हैं, जो लगातार मरीजों को आकर देख रहे हैं, और जो बुखार, खांसी, सर्दी के मरीज आ रहे हैं उनकी लगातार जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि जिला अस्पताल में डेंगू के 83 मरीज आए थे, जिनमें से 58 मरीज पॉजिटिव पाए गए थे और 18 मरीज भर्ती किए गए थे। जैसे जैसे मरीज ठीक हो रहे हैं उनके घर भेज दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि नदी का जलस्तर कम होने के कारण जिला अस्पताल में डायरिया के ज्यादा मरीज आ रहे हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला अस्पताल के SIC डॉक्टर राजेंद्र ठाकुर ने कहा, उधर को ये बोलिए भाई जाए, आप लोग थोड़ा बाहर चले जाइए प्लीज, बाहर चले जाइए बाबा, आप थोड़ा सा चले जाइए, आ जाइए इधर, आ जाइए बाबू। देखिए सर ये पूरे बता, राजेश बताइए कौन कौन, ये देखिए हमारे फिजिशियन साहब हैं डॉक्टर राजेश कुमार जी। देखिए सर ये है, हाँ सर देखिए, ठीक हो कुछ खाई हो, नहीं हुआ है ठीक है, थोड़ा प्लेटलेट का जांच किया है, जो नॉर्मल आएगा ठीक है, ठीक है प्लेटलेट कराने की व्यवस्था हमारी करवा देखिए, और इसके बाद इस पे आइए सर। राजेश जी ये पेशेंट कहाँ गए सिस्टर? अच्छा डेंगू पॉजिटिव थी सर, ये फीवर हेडेक लेके आई थी आपका अम्मा जी, फीवर जनरलाइज्ड करके आई थी, डेंगू का पॉजिटिव, अच्छा अभी का इलाज कर रहा है, अच्छा डेंगू में इम्प्रूवमेंट है, फीवर उधर लेके आई थी सर, डेंगू जांच की गई पॉजिटिव था, एडमिट कर भाई बुखार चढ़ कर कमर दर्द लेकर के आ रहा है, कोई दिक्कत, घर जाना है, कल जाओगी, घर जाना चाहिए कल लेंगे, कल छुट्टी लेंगे, आज क्या वहाँ पार्टी है, करेंगे ना नाइट के स्क्रीन के हो आपका दिक्कत है, ठीक है कैसी तबीयत है, ठीक है आपका क्या जी कैसे हो, पहले से है अभी रखेंगे बाद में ले जाएंगे आपका जी, गाँव घुसाए हुए हो बेगम बंदर, अरे यार मच्छर काट रहा, वही मच्छर तुमको काटेगा उसको काटेगा, बीमारी फिर फैला दो, ऐसे मत करो, इधर आओ इधर दिखाओ कैसी बाबू, रुक जाओ कोई नहीं, सर डिस्चार्ज हो गया, ये डिस्चार्ज हो गया लास्ट में सर, चला गया घर, ठीक
यहाँ जबकि ले लिए सर। डेंगू को लेके हम लोग पूरी मुस्तैदी से तैयारी कर चुके हैं सर, और हम लोगों ने अलग वार्ड भी कर दिया है। पहले 10 वार्ड बेड था हमारे पास और हम लोगों ने बढ़ा दिया है, और पर्याप्त दवाइयां हमारे को मिल रही हैं, और जो बुखार सर्दी खांसी के मरीज आ रहे थे उनमें हम लोगों ने स्क्रीन आउट किया। 83 हमारे पास आए थे इंडोर और ओपीडी दोनों में, जिसमें आपको हमारे पास 58 पॉजिटिव पाए गए और 15 वेटेड हैं सर अभी, और जिसमें 18 मरीज भर्ती किए गए थे, और बाकी जो कुछ कुछ ठीक हो रहे जा रहे हैं हमारे यहाँ से। सभी लोगों का सहयोग है सर, पेशेंट भी जागरूक हो गए हैं। तो मरीजों के लिए क्या व्यवस्था? मरीजों के लिए तो सर आप सारी दवाइयाँ हैं, मरीजों के लिए बेड हैं, मरीजों के लिए मच्छरदानियाँ हैं, मरीजों के लिए स्पेशल डॉक्टर हैं, सारे डॉक्टर हमारे जो फिजिशियन हैं जो उन पे स्पेशलिस्ट हैं वो सब आके देख रहे हैं इन्फेक्शियस डिजीज़ के लिए सर। और अगल बगल जो पानी उनी जमता था हम लोगों ने पूरा बच बचाव करवा दिया है सब चीज़ों से, किसी भी प्रकार की कोई बीमारी इंटर ना करें यहाँ पर कोशिश किया जा रहा है। लेकिन उस साथ ही साथ डायरिया वॉमिटिंग जो बाढ़ अभी आई थी उसके चलते डायरिया वॉमिटिंग कभी आ रही है तो उसमें हम लोग थोड़ा सा स्क्रीन आउट कर करके कर रहे हैं। बेड हमारा पूरा फुल हो गया है सर। और किस बीमारी की ज़्यादा मिली आ रही सर? जिला अस्पताल इस वक्त जो आ रहे हैं वो डायरिया वॉमिटिंग से ज़्यादा मरीज आ रहे हैं सर, उसी में जो बुखार खर्दी है उसी में हम लोग स्क्रीन आउट करते हैं, फिर देखते हैं सर जी बुखार उखार है तो उनको कोशिश करते हैं कि ठीक हो या नहीं ठीक होते हैं, एक दो दिन के अंदर ला के भर्ती कर दिया जाता है उनको, फिर उनको टेस्ट कर लेते हैं हम लोग हैं तुरंत, अगर डेंगू पॉजिटिव है तो मैं उनको एडमिट कर देता हूँ, और हमारे जो डॉक्टर भाई हैं लोग वो लोग देखते हैं फिजिशियंस वगैरह और ओपीडी से, बस यही है सर।